शेमारू के नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब। अच्छी घड़ी है यार। यार ये घड़ी आशा ने बहुत प्यार से दी, मैं ना भी नहीं बोल पाया, लेकिन अब उसके लिए भी तो कुछ खरीदना पड़ेगा। अब समझा वक्त खराब है, मतलब तू कंगाल है। हाँ यार। हाय अजय। हाय बाबी, कहो क्या बात है? जो दलेर पाजी है ना, तारा रारा वाले, उनको मैंने बुक किया था, लास्ट मोमेंट पर उन्होंने सारा का सारा प्रोग्राम ही कैंसिल कर दिया। तो मैं सोच रही हूँ कि तुम आरएस लोग मेरी बहन की शादी में आओ, नाचो गाओ मस्ती करो, तुम मचा। अबे ओए, हम लोग तुझे कोई तवायफ लगते क्या जो तेरी बहन की शादी में आके नाचेंगे और गाएंगे? हाँ, उसके लिए मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे देने को तैयार हूँ। पैसे? हम लोग की भी कुछ इज्जत है, समझा? हाँ। निकाल चल। प्लीज अजय, सुना ना तूने, चल आउट। तुम लोग भी इडियट हो यार। तेरा मतलब क्या है? 10 मिनट पहले सोच रहे थे पैसे कहाँ से, जब पैसा खुद सामने से चलकर आ रहा है तो ठुकरा दिए। एक मिनट, तेरा मतलब है हम पैसों के लिए भाड़ बन जाए? मेरा मतलब ये तो नहीं है, लेकिन प्यार में करना पड़ता है। है। ये कहाँ के फंस गए यार? अच्छे खासे कॉलेज के रॉक बैंड से भांड बन गए। अरे यार, ये पोकर का डिस्कशन छोड़ो, खाना खाओ, पैसे लो और निकल लो। वैसे भी हमें यहाँ कोई जानता नहीं है, कोई पहचानता नहीं है। मर गए। इससे बदतर क्या हो सकता है यार? सामने देख। उसने देखा तो नहीं? नहीं, वो इस तरफ तो नहीं आ रही ना? नहीं, बाल बाल बच गए यार। नहीं। हाय गाइस, यहाँ क्या कर रहे हो? जो प्यार में करना पड़ता है। प्यार में करना पड़ता है किसके? अजय, ये सब क्या है? वो हम लोग सब आयशा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें डैडी वहां बुला रहे हैं। ठीक है, चलो। भाग गए यार। बहुत हो गया यार, अब मुझसे नहीं होगा। हाँ यार, 4 घंटे से बजा रहे हैं हम लोग, पता है? अरे तुम लोगों ने बजाना क्यों बंद कर दिया? बजाओ, बजाती क्यों नहीं? ले, अब तू ही बजा पुंगी। अरे चल, जा जा, कर रहे हो पुंगी? आयशा बेटी, मिस्टर खन्ना की तरह हमें ऐसा दिन कब नसीब होगा? पापा आप ही। वर्मा साहब, हमारी बेटी आयशा बहुत शर्मीली है, लड़का तो आपको ही ढूंढना पड़ेगा। जैसे हमारी बेटी आयशा। क्या बात है आयशा? जी कुछ नहीं, मेरे कॉलेज के दोस्त हैं। कॉलेज के दोस्त? तो यहाँ क्या कर रही हो? जाओ उनके साथ रहो, मजे करो। थैंक यू। फर्मा साहब, आपकी बेटी बहुत प्यारी है। थैंक यू चोपड़ा। एक्सक्यूज मी चोपड़ा साहब, आपको खन्ना साहब ने याद किया है। ठीक है, मैं अभी आया। जी क्या रही हूँ चोपड़ा,
I'll see you at the bar. Thank you. See you later. Hi, Ajay. Hi. तुम्हारी दोस्त कहाँ है? तीन बार खाना खा रहे हैं। Oh, hi. और सदा? वाह, लिक्विड डाइट पे। और तुम यहाँ अकेले किसका इंतजार कर रहे हो? अगर तुम्हें कोई इतराज है तो सबको यहाँ बुला लो। अजय, ये बात नहीं है। मैं एक बात पूछूं, ये प्यार के लिए सब कुछ करना पड़ता है, मैं कुछ समझी नहीं। बात ये आशा कि मुझे भी तुम्हारे लिए गिफ्ट खरीदा था और एक अच्छा मौका था, कुछ पैसे कमा लेता मैं, लेकिन अब तो। अजय, तुम्हारा ये एहसास ही मेरे लिए सब कुछ है। थैंक्स। लेकिन एक बात बताओ, तुम यहाँ कैसे? मिस्टर खन्ना, पापा की बहुत पुरानी दोस्त है और मैं पापा के साथ आई हूँ। पापा के साथ? कहाँ है वो? वहाँ। कौन वो खंबा? अजय, तुम भी। अरे कहाँ था यार तू? मैं खुद अपनी ड्रिंक बना रहा हूँ, काम करने का शौक नहीं है क्या? चल एक ड्रिंक बना फटाफट। सॉरी, माफी की कोई जरूरत नहीं। वन विस्की ऑन द रॉक्स। What? वाटर के साथ नहीं, ऑन द रॉक, आइस, बर्फ, ठंडा ठंडा, कूल कूल। अरे अरे, कहाँ जा रहे? कब से इंतजार कर रहा हूँ, दूसरे को देगा तू? अरे यार, ये क्या बदतमीजी है? आज इसको चढ़ गई है यार। कौन हो तुम? हटो, हटो, for God's sake! दारू पी रहे हैं, मिस किया, एक मिनट, रुक, इल्ला नहीं, मैनेजर! क्या तुम टिया से मिली हो? नहीं। मिल लो, I'll see you in a minute, okay? Okay. क्या हुआ? लगता है फिर से कोई लफड़ा कर दिया है। आइए इधर आइए, जरा अपने इस वेटर को समझाइए, मैं कब से ड्रिंक मांग रहा हूँ, ये मुझे देने के बजाय ड्रिंक गिरा दिया। एक मिनट, तुम मुझे अब तक वेटर समझ रहे थे? नहीं तो क्या, मैनेजर समझू? लिसन जेंटलमैन, ये वर्मा साहब है, इस शहर के जाने माने रईस। कदे, ये कैसा इंतजाम है आप लोगों का? इतना बड़ा फंक्शन है, इतने सारे लोग हैं, कोई ना कोई तो होना चाहिए आपका। क्या बात है? अरे कोई रईस आदमी यार, मैंने गलती से वेटर बोल दिए। तू भी ना यार। सर, इसे गलती हो गई, आप माफ कर दो। बेशर्मे की भी हद होती है, ये कोई तरीका है माफी मांगने का? चल चल, भड़क रहा है, माफी मांग ले। अंकल सॉरी। बदतमीज लड़के, बर्दाश्त की भी हद होती है। तुम्हारी इस गलती को माफी नहीं, सजा मिलनी चाहिए। तुम्हारी ये बदतमीजी ने साबित कर दिया है कि तुम हमारे जैसे खानदानी नहीं हो, या तो फिर तुम्हारा कोई खानदानी नहीं है। ऐसी हरकत सिर्फ एक लावारिस या यतीम ही कर सकता है, या तो फिर तुम एक घटिया परवरिश का नतीजा हो। ना, गेट आउट फ्रॉम हियर, गेट आउट, गेट आउट। हे, हाथ उठाओगे मुझ पर? मारोगे मुझे? मुझे मारोगे तुम? नहीं सर, मेरा बायां हाथ उठा है सिर्फ आपको रोकने के लिए, लेकिन अगर मेरा दायां हाथ उठ जाए तो फिर मुझे कोई रोक नहीं पाएगा। स्टॉप इट, बहुत हो गया, आउट। अजय, आयशा, तुम इन लड़कों को जानती हो? जी, यही मेरे कॉलेज के दोस्त हैं। घर जाके बात करते हैं, चलो। अजय, अजय,
लोग देख रहे हैं। अजय सब लोग देखकर हंस रहे हैं। सबके सामने मेरा मजाक मत बनाओ। क्या बात करनी है? देखो अजय, कल जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन गलती सदा की थी। देखो आयशा, सदा से गलती हुई है, लेकिन वो अनजाने में हुई थी। लेकिन जो गलती तुम्हारे पापा के दोस्त ने की, उसके लिए अपना बाया हाथ नहीं, अपना दाया हाथ उठाना चाहिए था। अजय, ये गुस्सा ही तुम्हारी कमजोरी है, बात बात पर हाथ उठा लेते हो। बात बात पर? उसने मुझे यतीम कहा, अनाथ कहा, बुरी परवरिश का नतीजा कहा, और तुम्हें सब बातें लगती हैं? अब तुम ही बताओ कि जो कुछ भी मैंने किया वो सही किया या गलत। देखो अजय, पहली बात ये है कि जैसे अनजाने में सदा से गलती हुई, वैसे अनजाने में उनसे भी गलती हुई होगी, क्योंकि पापा तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानते। और दूसरी बात ये है कि मैं सिर्फ इतना चाहती थी कि कल तुम्हारी और पापा की मुलाकात हो जाती, लेकिन तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारे कल के बर्ताव को लेकर पता नहीं अब पापा तुम्हारे बारे में क्या सोचते होंगे। और तीसरी बात, मैं तुमसे एक बात जानना चाहती हूँ जिसका कल के हादसे से कोई ताल्लुक नहीं। अजय, मैं समझती थी कि हम एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं कि गलती फिर किसी से भी हो, बस एक मुस्कुराहट ही काफी होगी सब गिले शिकवे मिटाने के लिए। लेकिन आज अजय, तुमने सबके सामने, अपने दोस्तों के सामने हमारे प्यार का मजाक उड़ाया, सिर्फ अपने बारे में सोचा। अब तुम ही कहो क्या सही है और क्या गलत। क्या बात है यार, आज अजय नहीं दिख रहा। वैलेंटाइन्स डे इज फॉर लवर्स, नॉट फॉर फाइटर्स। तू भूल गया इनका झगड़ा हुआ है? झगड़ा हुआ है? सॉरी। अरे वो अजय वही ना जो लफड़े झगड़े मारा मारी यही सब तो करता रहता है ना वो। और ये बेचारी मैडम, उसको प्यार सिखाने चली थी। पर जो भी हो, आज के दिन अजय को इतना अड़ियल नहीं होना चाहिए था। वैलेंटाइन्स डांस बट नो वैलेंटाइन। हमें ना, ना यार, हमें ना यार, हमें ना यार। तू भी चोपड़ा साहब, ये भाई चोपड़ा साहब आए हैं। आइए आइए आइए। अरे आइए चोपड़ा साहब, आइए आइए, बैठिए बैठिए।
क्या चोपड़ा साहब, काफी दिनों बाद आज हमारी याद कैसे आ गई? कोई खास मैटर वैटर है? हाँ छोटे, एक फैमिली मैटर है। तुम मेरे बिजनेस पार्टनर वर्मा के बारे में जानते हो ना, उसकी बेटी इसकी शादी करवाना चाहता हूँ। एक लड़का बीच में टांग अड़ा रहा है। क्या नाम है उसका? कहाँ रहता है वो? वो आयशा के साथ ही पढ़ता है, कुछ अजय नाम है उसका। वो कोई कॉलेज की सिक्योरिटी में पता नहीं, हमारे हिसाब से तो गुंडा है वो, लेकिन आप लोगों से छोटा है। वो कोई आर्यन ग्रुप का है। क्या 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 बोला क्या बोला? आर्यन ग्रुप, आर्यन आर्यन अजय। ये भाई, ये वही छोकरा है जिसने मेरे को फटकाया था, मौत मारा था मेरे को भाई। उसने तेरे को मारा? हाँ। चोपड़ा साहब, अब आपका दुश्मन मेरा भी दुश्मन हो गया। छोटे। हाँ भजन। अगर वो आशिक है तो हम उसकी सुपारी नहीं लेंगे। भजन, वो कोई आशिक वाशिक नहीं है, साला टपोरी है, अपने मुन्ना को फटकाया था। अब बेफिक्र रहिए, मैं हूं ना भजन। ठीक है। ये आशिक वाला चक्कर क्या है? अपने पैसे उठाओ, काम करो। चोपड़ा साहब, आप बेफिक्र रहिए, मैं हूं ना, खत्म कर डालेंगे साले को। छोटे, तू एक दिन बहुत बड़ा बनेगा। शुक्रिया साहब। ये भाई, जिस दिन वो छोकरा मिला ना, तो सबसे पहला फटका मैं मारूंगा। मैं मारूंगा पहला फटका। तू ही मान, तू ही मान, तू ही मान। बहुत मारा मेरे को साले ने।